मोबाइल की स्क्रीन पे सबसे पहले रिंग एप्लीकेशन का जो मैंने डूल करना सिखाया था वो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए रिंग की जो आईडी है, काफी लोगों की जो लॉगिन है जो नहीं हो पा रही है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार है जो रिंग का ट्रांजेक्शन है जो लोगों का नहीं हो पा रहा था, काफी सारे लोगों ने प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास किए, थक गए और ट्रांजेक्शन है जो नहीं कर पा रहे। आज की वीडियो काफी खास होने वाली है, पेमेंट नोट है जो फेल की प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट ट्रांजेक्शन है जो नहीं कर पा रहे, लिमिट है जो नहीं निकाल पा रहे एप्लीकेशन से, उसका जो सोल्यूशन लेकर आया हूं दोस्तों आपका बिना ज्यादा टाइम लिए। दोस्तों मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल वन एचडी चैट, चैनल को कीजिए गाइस सब्सक्राइब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू। मोबाइल की स्क्रीन पे सबसे पहले रिंग एप्लीकेशन का जो मैंने डूल करना सिखाया था वो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए रिंग की जो आईडी है, काफी लोगों की जो लॉगिन है जो नहीं हो पा रही है रिंग एप्लीकेशन में, तो उसको है जो लॉगिन कैसे करना है वो सारी प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिंग को ओपन करना और ट्रांजेक्शन करने के लिए जो जो प्रोसेस करनी है उसको है जो आप लोगों को फॉलो करना है, तभी जाके है जो इसमें ट्रांजेक्शन है जो कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आज मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया और ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रांजेक्शन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि आपके लिए बेस्ट है, बैंक ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद कोई सा भी बैंक है जो अप्रूव्ड होना चाहिए, तो बैंक का हमारा अप्रूवल होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे बोलता है 25 रुपये का, 25 रुपये में कोई भी ट्रांजेक्शन फीस है जो नहीं लगती, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि अनलॉक है ट्रांजेक्शन फीस। यदि हम यहाँ पे ₹100 लगाते हैं तो हमें जो ट्रांजेक्शन फीस है जो देनी पड़ सकती है इनको, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन फीस जैसे ही मैं ₹100 लगाऊंगा तो यहाँ पे 10% ट्रांजेक्शन फीस यानी ₹90 ही आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने ₹25 पे ट्रांजेक्शन फ्री है क्योंकि 100 से नीचे शायद ट्रांजेक्शन फ्री लग रहा है 25 तक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिन डालूंगा, पिन डालने के बाद यहाँ पे देखिए जो हमारे पास इंटरफेस है वो कैसा आता है वो देखना पड़ेगा अभी। यहाँ पे देखिए ऑप्स की जो प्रॉब्लम आ रही है इसको जो सोल्यूशन करने वाले हैं हम दोस्तों इस वीडियो में, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। देखिए सबसे पहले फाइनल है जो मैंने पता लगाया कि ऐसे है जो ये कर सकते हैं। देखिए मैंने बोला था कि आपको डूल यूज करना है, यहाँ पे देखिए सेटिंग में ऑप्शन में मिलेगा डूल का, तो यहाँ पे देखिए मैं सेटिंग में लेके चलता हूँ एक बार फिर से क्योंकि ये जो प्रोसेस है काफ़ी लोगों को नहीं कर पा रहे हैं और इससे ट्रांजेक्शन है जो काफ़ी लोगों का हो भी गया है। दोस्तों मैं बता दूँ आपको कुछ लोगों का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेशल है जो डेडिकेट वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐप्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐप्स लिख देंगे, यहाँ पर ऐप्स लिख देंगे तो यहाँ पर ऐप्स बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहां पे देखिए ऐप्स या मैनेज ऐप्स भी लिख सकते हो, तो यहां पे ऐप्स लिख सकते हो, सर्च करके भी आ सकता है ऐप्स, लेकिन यहां पे हमारे सेटिंग में ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल गया। यहां पे करने के बाद क्लिक करने के बाद डूल ऐप का ऑप्शन होगा, ये एमआई के फोन में होता है लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे है जो करना है। और ये बता दूं कि ये वीडियो काफी अलग है क्योंकि इसको पूरा देखना है तभी जाके समझ में आएगा। तो अब जो रिंग की ट्रांजेक्शन वाली आईडी है वो इसको इसमें लॉग इन करना है और फिर है जो ट्रांजेक्शन करना है। सबसे पहले ये जो ऐप है वो भी नहीं बना पा रहे लोग, तो करना क्या, आपको टेलीग्राम में एक लिंक मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे एक लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का जिसका नाम है डूल ऐप। यहां पे देखिए डूल ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, डूल स्पेस काफी सारे हैं मैंने बताया था, जो ईजी है वही बताने वाला हूं कि आप है जो कैसे है जो उसको है जो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए मल्टी स्पेस के ऑप्शन है जो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक ही रिकमेंडेड करूंगा, ये रहा डूल ऐप्स, इस पर क्लिक करना है, इसका लिंक मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आपको इसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के लिए एक बात याद रखनी है कि अपनी जो आईडी है रिंग की जो आईडी है वो किसी दूसरे फोन में लॉगिन नहीं करनी और ना ही किसी को आईडी देनी है अपनी, सिर्फ अपने ही फोन में ये ट्राई करके देखना है। और ध्यान दें कि वीपीएन का यूज ना करें क्योंकि अभी जो ट्रांजेक्शन करने वाले हैं हम वो इसी से करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीपीएन का कोई सहारा है जो हम नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए अभी जो ऑप्शन है वो डूल कर दिया है मैंने, यहाँ पे देख सकते हो एक रिंग दो रिंग, यहाँ पे देखिए डूल ऐप भी आ चुका है जिसमें फीचर नहीं होता उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिस फोन में फीचर नहीं है डूल करने का उसके लिए हमें डूल की जरूरत पड़ेगी। डूल हमारे पास आ चुका है, अवेलेबल है, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्री करना है, एग्री करने के बाद सिर्फ कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे लोकेशन डिटेक्ट करनी है, फोन के डिवाइस की मेमोरी अलाउ करनी है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद जो हमें एप्लीकेशन डूल करना है उसको हमने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए रिंग को कलेक्ट किया तो यहाँ पे रिंग है जो डूल हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने प्लस के आइकन पे क्लिक कर दिया तो रिंग प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोबारा है जो ट्राई कर सकते हो, इस पे क्लिक किया तो ये देखिए इस प्रकार आएगा, दो बार क्लिक करना है, इंपोर्ट डूल।
थी दोस्तों, ऐड को हमें देखना होगा थोड़ा सा, तो ऐड को हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा ऐड है जो हमने स्किप कर दिया। अब करने के बाद ये देख सकते हो ये पूरा का पूरा न्यू विंडो आ गया। यहाँ पे सारा कुछ नया सिस्टम है, ये नया फ़ोन है डुअल, मतलब इसमें जितने कर सकते हो उतने कर सकते हो डुअल। यहाँ पे देखिए कोई भी सीमा नहीं है, जितने मर्जी डुअल कर लो। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐड आएगी थोड़ी, एक हो गया यहाँ पे देख सकते हो, एक और कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो तीन हो गए। यहाँ पे देख सकते हो रिंग कितने हो गए, तीन हो गए। और यहाँ पे एक और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो रिंग चार हो गए। इस प्रकार है जो रिंग को जितना चाहे डुअल कर सकते हो। और आपको कैसे ट्राई करना है अभी देखिए, आपको सबसे पहले ऐसे है जो 10 एप्लीकेशन है जो क्रिएट कर लेने, देख सकते हो 6 हो चुके हैं हमारे पास और यहाँ पे 7 हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो 7 हो गए और इस पर फिर से प्लस पे क्लिक करने के बाद रिंग को सिलेक्ट करना, 8 हो गए, अब देखिए 9 हो गए हैं। तो इस प्रकार आपको मल्टी बनाना है इसको। मल्टी बनाने के बाद ये देखो मल्टी मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन। अब देखिए रिंग हमारे पास टोटल के टोटल कितने हो गए, रिंग हमारे पास अभी जो हमने डुअल किए हैं रिंग वो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रिंग है। इसमें फर्स्ट वाले रिंग पर क्लिक करना है आपको, देख सकते हो सारे रिंग के अंदर अपनी आई डी लॉग इन करके ट्रांजेक्शन करके देखना है। अब ये देखो कभी मज़ा आने वाला है, बहुत ही वीडियो खास होने वाली है। ये देखिए दोस्तों आपको रिंग ओपन करने के लिए यहाँ पर देखो डुअल हो चुके हैं और यहां पे रिंग को ओपन करना है आपको। यहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन है जो इससे करके देखना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए रिंग को ओपन करना है आपको। यहां पे देखिए यहां से क्लिक करेंगे तो डुअल हो जाएगा। अभी हमें डुअल नहीं करना, सिर्फ ओपन करके देखना है। यहां पे देखिए आपको इस पे दो बार टाइप करना है, दो बार टाइप करने के बाद लॉन्च डुअल पे क्लिक करना है आपको, लॉन्च डुअल आएगा। लॉन्च डुअल करने के लिए टू ग्रांट परमिशन पूछेगा, तो परमिशन आपको कॉल्स की देनी है इसको। परमिशन देने के बाद रिंग इस प्रकार है जो खुलेगा आपके सामने और थोड़ी सी ऐड आएगी, ठीक है। ऐड को स्किप कर लेना है, ऐड जैसे ही आ गई है मैं इसको कर लेता हूँ स्किप। स्किप करने के बाद इस प्रकार है जो इंटरफेस है जो रिंग का खुल जाएगा और इसमें है जो अब आईडी है जो लॉगिन करके देखनी है और ट्रांजेक्शन करके देखना है। ट्रांजेक्शन है जो यहाँ पे हो जाएगा आपका, मैं आपको बता दूँ 40% लोगों का ट्रांजेक्शन इसी से हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो अभी देखो, यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम है जो आती है आप लोगों को, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक्सेस है जो इसका देना ही पड़ेगा, तभी जाके है जो QR उठाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है उसका तो इंटरफेस आ ही चुका है। अब आपको मोबाइल नंबर से है जो लॉगिन करना है, रिंग इस प्रकार खुलेगा, थोड़ा फ़ोन लोड लेगा यदि आपके फ़ोन में डाटा रहेगा तो। साइन अप करने के बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, जीमेल और फेसबुक, जिस नंबर से आपकी आईडी बनी है उस नंबर से कर लो। यदि जीमेल से बनी है तो जीमेल से आईडी लॉगिन करो, यदि फेसबुक से बनी है तो फेसबुक से करो। इस प्रकार आपको करनी है। इस प्रकार इसमें यदि ट्रांजेक्शन ना हो तो आपको मैं बता रहा हूँ, सारी प्रोसेस समझा रहा हूँ कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें ट्रांजेक्शन वन में जो 8 नंबर हमने बनाया डुअल, इसमें ना हो तो फिर इसमें ट्राई करना है, इसमें भी ना हो फिर इसमें ट्राई करना है। दोस्तों इनमें से एक में ट्रांजेक्शन है जो सक्सेसफुली आपका हो जाएगा, पहली बात है। इतना आपको मत्था मारना नहीं पड़ेगा, इनमें से किसी में एक में से ट्रांजेक्शन है जो आपका सक्सेसफुल होने वाला है दोस्तों। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मोटिव है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास डुअल ऐप का भी ऑप्शन है जो नहीं देखने को मिलता। इस प्रकार मिनिमाइज करोगे तो ये एप्लीकेशन है जो उधर दिख जाएगा आपको और यहाँ पर रिंग से ट्रांजेक्शन है जो सक्सेसफुली आप कर पाओगे और यहाँ पे रिंग एप्लीकेशन के ऑफिशियल है जो ट्रांजेक्शन भी आप कर पाओगे। तो ये एप्लीकेशन का लिंक है जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिंग को यूज कर सकते हो। ऑफिशियली तरीके से रिंग का ट्रांजेक्शन है जो चालू है, वैसे वह किससे सभी लोगों के लिए चालू नहीं है। तो आप कस्टमर केयर बोलते हैं कि आपने फ़ोन चेंज किया, ये किया वो किया, इसीलिए आप ट्रांजेक्शन है जो नहीं कर पा रहे, आपका आईपी बदल गया है, ऐसा वैसा कहते हैं कस्टमर। तो आपको वही चीज़ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि कस्टमर आपको यही चीज़ बोलते हैं, तो इसलिए आपको डुअल में ट्राई करके देखना है कि ट्रांजेक्शन हो रहा है या नहीं, क्योंकि ऑफिशियली तरीके से बैंक ट्रांजेक्शन और फास्टैग भी चालू है। काफ़ी लोगों ने जिन्होंने आईडी दूसरों को नहीं दी उनका ट्रांजेक्शन है जो आज भी सक्सेसफुल है, जो फास्टैग और बैंक ट्रांसफर और कैश करंट से भी हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो थी, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।